हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए हम देखते हैं कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम किसको बोलते हैं, ये कहाँ से आया है ये टर्म, और इसको किस तरीके से हम डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। तो देखिए, GIS का अगर हम हिस्ट्री थोड़ी सी देखते हैं सबसे पहले कि GIS जो है वो किसने डेवलप किया है। तो जो GIS के फादर, जिसको GIS का फादर कहा जाता है, उनका नाम है मिस्टर रोगर टॉमलसन। तो जो मिस्टर रोगर टॉमलसन है वो क्या है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो कहाँ काम करते थे, ओटावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते थे, और ओटावा जो है वो कनाडा का कैपिटल है। तो उनको एक बार एक टास्क दिया गया। एक्चुअली में होता क्या था, जब भी मतलब पहले के टाइम में अगर आप देखें, जैसे आजकल तो हर चीज क्या है, आजकल फाइबर नेटवर्क है और हर चीज वाईफाई के थ्रू हो जाती है, तो आजकल इतना वायर का काम नहीं है, हर चीज कैसी हो गई है, वायरलेस हो गई है। बट अगर आप बहुत थोड़ा पहले के टाइम में जाएंगे तो पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे अंडरलाइन पाइपलाइंस होती थी, जैसे पाइपलाइंस होती थी अंडरलाइन, वैसे ही क्या होते थे, टेलीफोनिक कनेक्शन की जो वायर्स होते थे वो भी क्या होते थे, अंडरग्राउंड होते थे। इसके अलावा बहुत सारे नेटवर्क्स जो थे वो कैसे अंडरग्राउंड नेटवर्क सारे होते थे, जो टेलीफोन की लाइन्स है या फिर पाइपलाइंस है या फिर कोई बिजली के कनेक्शन की लाइन्स है, तो वो सारी लाइन्स होती थी अंडरग्राउंड होती थी। अब वो जो अंडरग्राउंड सारी लाइन्स जब होती थी, तो लाइंस में रहता क्या था, कहीं पर हो सकता है कि वो जो आपके पाइपलाइन है वो नीचे है और आपका जो टेलीफोनिक कनेक्शन की लाइन है वो ऊपर है, कहीं पे आपके बिजली कनेक्शन की लाइन नीचे है। तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या आती थी, मान लीजिए आपका कोई भी एक नेटवर्क में इशू, किसी भी एक चीज में प्रॉब्लम है, किसी एक चीज का मेंटेनेंस करना है, तो उस एक चीज के मेंटेनेंस के लिए कभी कभी क्या होता था, दूसरी चीज को भी सफर करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए अगर आपका वाटर सप्लाई का कुछ काम है ना, तो वाटर सप्लाई रिपेयरिंग जब चल रही है, तो हो सकता है कि जब वो वाटर सप्लाई रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसी टाइम पे हो सकता है कि उनसे गलती से वो टेलीफोनिक वायर जो है वो कट हो जाए, या फिर उनको अगर उसके नीचे जाना है तो उनको वो टेलीफोन वायर जो है वो कट करना पड़े, या फिर हो सकता है कि कोई पावर सप्लाई जो है उसको कट करना पड़े। तो इसके कारण क्या होता था, कभी कभी बहुत टाइम के लिए फिर ये डिसकंटिन्यूटी हो जाती थी, फिर उसको मतलब उसके फिर वापस से क्या हो जाता, बहुत टाइम लग जाता था। जैसे एक चीज के लिए, एक वाटर सप्लाई के लिए, अब एक कम्युनिकेशन जो था वो भी टूट गया, तो अब उस कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले सारी चीजें कैसी होती थी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती थी। तो उन्हें टास्क दिया गया कि आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करिए जिसके थ्रू हम क्या कर सके, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को मेंटेन कर सके। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट सिस्टम्स को इस तरीके से रखें कि अगर हम किसी एक चीज पे काम कर रहे हैं, किसी एक लेयर पे काम कर रहे हैं, तो उससे दूसरी लेयर जो है वो क्या हो, इफेक्ट ना हो। तो फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने इस चीज पे काम किया और फिर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिस सिस्टम का उन्होंने नाम रखा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GIS। लेकिन उन्होंने इसके साथ एक प्रीफिक्स भी यूज किया था जो था C। तो उन्होंने जो इस सिस्टम का नाम दिया था वो नाम था CGIS, क्योंकि वो एक कैनेडियन थे, इसलिए उन्होंने इसका एक सी लगाया था कैनेडियन के हिसाब से, CGIS मतलब कैनेडा GIS, कैनेडा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब जब उन्होंने सिस्टम बना दिया, तो उन्होंने सिस्टम इसी हिसाब से बनाया कि क्या कर सके, एक पर्टिकुलर चीज के लिए उन्होंने सिस्टम हमको दे दिया CGIS। लेकिन ऑफ कोर्स लेटर ऑन क्या होगा, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज थी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने उस जो ये जो सिस्टम था उसको क्या किया, उन्होंने उस चीज को खरीदा और उसके बाद उन्होंने इस पे कुछ इस तरीके से काम किया ताकि ये और क्या हो जाए, ये और ज्यादा अच्छे से यूजर फ्रेंडली हो जाए। तो जो पहली ऐसी कंपनी थी जिन्होंने CGIS को खरीदा था, उसका नाम था ESRI। ठीक है, ESRI का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने क्या किया था, ये एक प्राइवेट इंटरप्राइजेस था, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि USA के एक हस्बैंड और वाइफ है, जो कि मिस्टर जैक और लॉरा। तो इन लोगों ने क्या किया था, इसको CGIS को लिया था इनसे, और उन्होंने क्या किया, इसको और ज्यादा क्या किया, डेवलप किया ताकि हम क्या बना सके, इनसे और यूजर फ्रेंडली बना सके। तो जो पहला यूजर फ्रेंडली GIS बना था उसका नाम था आर्क इन्फो। ठीक है, आर्क इन्फो बनाया गया, लेकिन ये जो आर्क इन्फो था आइदर वो यूनिक्स पे चलता था या फिर वो सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता था। मतलब ये सिर्फ दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या करता था, काम करता था, यूनिक्स या फिर सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सिर्फ दो ही पे काम कर सकता था, एक इसकी लिमिटेशन हो गई। इसके साथ साथ में एक और इसकी लिमिटेशन थी कि इसका जो कॉस्ट निकल के आता था वो कॉस्ट क्या था, बहुत ज्यादा कॉस्टली ये पड़ता था। मतलब पहले के टाइम पे अगर CGIS करना है, किसी को इसका यूज करना है, तो वो कैसा था, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज क्या है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स डेवलप हो गए जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे GIS के वर्जन ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि कस्टमाइज डिजाइन है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन CGIS का यूज या फिर GIS का यूज हम अपने स्मार्टफोन्स पर भी कर सकते हैं, हमारे
कंप्यूटर्स पर भी कर सकते हैं। तो ये हमको उन्होंने दिया था। अब चलिए हम समझते हैं ये GIS एक्चुअल में होता क्या है। हमने इसकी हिस्ट्री देख ली कि कहाँ से आया था और ये किस तरीके से काम करता था, बट ये उसकी स्टार्टिंग फेज था। अब हम जिस फेज में हम है, तो हमने क्या है, अब बहुत ज्यादा GIS जो उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका। तो सबसे पहले हम GIS को देख लेते हैं कि GIS में एक्चुअली होता क्या है। तो GIS की अगर हम बात करें तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसमें आपको दो डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स मिलेंगे, दो डिस्टिंक्ट अलग अलग नाम मिलेंगे। पहला है जियोग्राफी और दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि जो GIS है क्या है, उसके दो पार्ट में हमने उसको क्या किया है, डिवाइड किया है। पहला क्या है, जियोग्राफी, दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर अब हम बात करें जियोग्राफी की, तो ज्योग्राफी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जियोस्पेशियल पैटर्न एंड प्रोसेस। ठीक है, इट सीक्स टू आइडेंटिफाई एंड अकाउंट फॉर द लोकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल फिनोमिना ऑन अर्थ सर्फेस। समझे आप इसका क्या मतलब है, मतलब ज्योग्राफी मतलब कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है, किसके बारे में स्टडी करना, जियो स्पेशल पैटर्न एंड प्रोसेस। तो इसमें एक टर्म आ रहा है सबसे पहला, जियो स्पेशल। जियो स्पेशल मतलब क्या है, जियो स्पेशल में दो टर्म है देखो, जियो और स्पेशल। तो जियो मतलब जो भी चीज अर्थ से रिलेटेड होगी हम उसको क्या बोलेंगे, जियो। और स्पेशल मीन्स मतलब, जियो मतलब अर्थ और स्पेशल मीन्स अर्थ से रिलेटेड डेटा। तो जियो स्पेशल मीन्स अर्थ से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसकी साइंटिफिक स्टडी करना, उसी को हम बोलते हैं जियोग्राफी। मतलब हम जियोग्राफी में क्या करने वाले हैं, हम जियो स्पेशल डेटा को लेंगे और उस जियो स्पेशल डेटा के बारे में और साइंटिफिक स्टडी करेंगे। अभी जियो स्पेशल डेटा एक्चुअल में होता क्या है, तो जियो स्पेशल डेटा की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मान लीजिए अर्थ पे कोई पर्टिकुलर सरफेस है, पर्टिकुलर कोई फीचर है, जैसे कि हम बात करते हैं ताजमहल की। तो जो ताजमहल है, अगर मुझे उस ताजमहल का पता लगाना है कि कहां पर है, तो कैसे पता चलेगा, हम किस की मदद से पता लगाते हैं, हम GPS लोकेशन की मदद से पता लगा सकते हैं। तो GPS पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जब भी हम GPS, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है GPS, हम क्या करते हैं उसको कहीं पर भी लेके जाएंगे और वहां पे हम उसको, अगर उस इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, तो वहां पे हमें दो चीजें पता चलती है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी फीचर के बारे में, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या बता सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट का बता सकते हैं कि इसकी लोकेशन यहाँ पर आएगी। जैसे आप मैप पर भी क्या करते हैं, किसी लोकेशन को पिन करते हैं, तो वो जो लोकेशन को जब आप पिन करते हैं, तो वो पिन आप किसको कर रहे हैं, पर्टिकुलर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजिशन को पिन कर रहे हैं। ठीक है, तो जियो स्पेशल पैटर्न एंड प्रोसेसेस हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, जियो स्पेशल पैटर्न और प्रोसेसेस की। तो जियो स्पेशल पैटर्न मतलब कि मान लीजिए अर्थ से रिलेटेड कोई भी पैटर्न हो सकता है, जैसे कि क्या हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया होगा, कोई लैंड यूज एरिया हो सकता है, कोई अर्बन एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट एरिया को हम किस तरीके से स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे, जियोग्राफी में देखेंगे। इसके अलावा ये और क्या बताएगा, ये हमको लोकेशन के बारे में बताएगा। इट सीक्स टू आइडेंटिफाई द अकाउंट ऑफ द लोकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल फिनोमिना ऑन द अर्थ सरफेस। ये हमको लोकेशन की इंफॉर्मेशन देगा, साथ साथ में ये हमको क्या बताएगा, जो ज्योग्राफी है वो बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल फिनोमिना ऑन द अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस पे कहाँ पर ह्यूमन का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है और अर्थ सरफेस में और क्या क्या डिफरेंट फिजिकल फिनोमिना है वो किस हिसाब से है। जैसे कि हम इसको सबसे अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, एक मैप के थ्रू। एक मैप को जब आप लेंगे, तो उस मैप में आप क्या कर सकते हैं, आपको उस मैप में क्या मिल सकता है, आपको पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है। किसी किस चीज का हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, आप किसी अगर मैप की बात करें, तो मैप में हमको हो सकता है, जैसे हमें एक रिवर्स का मैप चाहिए, तो आपको उसमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा किसका, रिवर्स का। जब आप एक मैप लेते हैं, उसमें ब्लू कलर की बहुत सारी लाइंस मेंशन रहती हैं, तो वो ब्लू कलर की जो लाइन रहती है उसमें कॉर्नर में लिखा रहता है कि ये इंडियन रिवर। ठीक है, और वहां पे जहां पे भी वो रिवर जा रही है, उस रिवर का वहां पे उस मैप में क्या लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो वो मैप में कंटिन्यूअसली वो जो नाम लिखे रहते हैं किसका पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है। तो हम इस ज्योग्राफी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन का, किसी ह्यूमन बॉडी का, कि कहां पे कितना डेवलपमेंट है उसका पता लगा सकते हैं। साथ साथ में हम डिफरेंट अर्थ सरफेस में कौन कौन से फीचर्स हैं, उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, हम वो भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, ये सारी चीजें हम GIS में देखेंगे। ठीक है, अब GIS में अगर हम बात करें, तो GIS में क्या है, दो टर्म है, पहली हमने देख ली ज्योग्राफी और दूसरा क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में।
चलिए, तो जैसे अभी हमने क्या किया था, अभी हमने ज्योग्राफी को समझ लिया था, मतलब इसमें जो हमने दो टर्म देखे, ज्योग्राफी और इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफी को हमने समझ लिया कि ज्योग्राफी में हम अर्थ, स्पेसिफिकली अर्थ के किसी पॉइंट की बात करेंगे। अब हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जैसे आप देखेंगे, आपको दो चीजें दिख रही होंगी यहाँ पे। तो पहला हम समझते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम में पहले हमने दिया है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो चलिए हम समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसमें पीपल का क्या मीनिंग है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग है और कम्युनिकेशन डिवाइस का क्या मीनिंग है। तो पीपल मींस, जब हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जैसे कि हम इसको एक फोन के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आपके पास कोई फोन है, आप आइदर एंड्रॉइड फोन होगा या फिर आईफोन, जो भी फोन है आपके पास। तो जब आपके पास कोई फोन है तो वो फोन को सबसे पहले यूज करने के लिए कोई पर्सन चाहिए, ठीक है। वैसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को यूज करने के लिए कोई पर्सन चाहिए, पीपल। मींस कि इसमें पीपल का मतलब है ऐसे लोग जो कि क्या करेंगे, आइदर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या फिर वो इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे। जैसे जो हमारा GIS है सॉफ्टवेयर, वो क्या होने वाला, या तो वो किसी पर्सन के द्वारा वो यूज होगा सॉफ्टवेयर, या तो कुछ पर्सन होंगे जो कि उसमें इन्फॉर्मेशन मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं, या फिर कुछ पर्सन होंगे जो कि उस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसको हमने बोल दिया पीपल, ठीक है। तो पीपल का रिक्वायरमेंट रहेगा, अगर पीपल्स ही नहीं होंगे तो हम किसके लिए करेंगे डिजाइन, या फिर किसके लिए सॉफ्टवेयर बनेगा। तो ये मीनिंग होगा पीपल का। नेक्स्ट है, इसके बाद है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब जब हम बात कर रहे हैं हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, तो इसमें दो पार्ट होंगे, ठीक है। कौन कौन से पार्ट होंगे, फर्स्ट हार्डवेयर होगा, सेकंड सॉफ्टवेयर होगा। हम इसको आगे और डिटेलिंग में भी देखेंगे, पर अभी हम समझते हैं इसका बेसिक मीनिंग कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग है। तो देखिए, जैसे आपके पास अगर एक आईफोन है या फिर आपके पास एक स्मार्टफोन है, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि जो स्मार्टफोन होता है उसमें होता है सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो जो एंड्रॉयड है, वो एंड्रॉयड क्या है, उसका सिस्टम है। तो एंड्रॉयड है वो हो गया सॉफ्टवेयर, और वहीं पर जो आपका मोबाइल है वो क्या हो गया, आपका हार्डवेयर हो गया। वैसे ही अगर एप्पल की बात करें तो उसमें अपना कुछ सिस्टम होगा, ठीक है। तो हमने क्या बात की कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे कि आपको अगर कोई गेम खेलना है तो वो गेम के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप क्या करेंगे, उस गेम को खेलेंगे। लेकिन गेम को खेलने के लिए हो सकता है आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़े, जॉयस्टिक की जरूरत पड़े, माउस की जरूरत पड़े। तो मतलब एक सॉफ्टवेयर को भी आप तभी यूज कर सकते हैं जबकि आपके पास क्या हो, एक हार्डवेयर मौजूद हो। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जो GIS है, उसके इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी और सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को भी हम और अच्छे से देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कम्युनिकेशन डिवाइस है। इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कम्युनिकेशन डिवाइस भी लगा होगा। जो कम्युनिकेशन डिवाइस क्या करेगा, वो आपस में कम्युनिकेट करेगा, मतलब कि फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस में किस तरीके से जाना है, या फिर हम जब उसमें कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ उसका इंटरफेस होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक कम्युनिकेशन डिवाइस जो होगा वो क्या करेगा, वो इंटरफेस का काम करेगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे और अच्छे से, मतलब मान लीजिए कि वो जो कंप्यूटर है उसकी कुछ अपनी लैंग्वेज होगी, कोडिंग लैंग्वेज होगी, और हमें चाहिए जो डेटा, हमें हमारी लैंग्वेज में डेटा चाहिए, तो इसके बीच में क्या होगा, एक इंटरफेस लगा होगा। वो कैसे काम करेगा, एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस काम करेगा, जिसकी हेल्प से हमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो हमें डेटा क्या करेगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अगर मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसमें एक चीज होती है, जैसे आप ये नेक्स्ट हमारा जो देखेंगे इसमें आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स किस तरीके से होते हैं, मतलब जो हम सॉफ्टवेयर में डेटा डालेंगे वो किस तरीके से डेटा रहेगा, उस डेटा को थोड़ा सा समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है, हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा इनपुट ऑफ सोर्स फाइल, सेकंड पार्ट होगा रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, और थर्ड पार्ट होगा आउटपुट ऑफ डेटा। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, डेटा को इनपुट करेंगे। इनपुट किसको करने वाले, हम सोर्स फाइल को। सोर्स फाइल मतलब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक एरिया है, हमने क्या किया, भोपाल में पर्टिकुलर एरिया लिया, क्या लिया, मान लीजिए हमने बड़े तालाब का एरिया लिया। अभी बड़ा तालाब जो है वो कैसा है, बहुत ही वाइड एरिया है उसका, उसके बहुत सारे डिफरेंट क्या होंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होंगे। मान लीजिए हमें उसका जो है ना पूरा एरिया ड्रॉ करना है कि उसका शेप कैसा है, तो उसका शेप ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट पोजीशंस पे हम उसके क्या लेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज ले लेंगे GPS के थ्रू। हमने क्या किया, बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज ले लिए। तो हमने क्या किया, बहुत सारा GPS का डेटा कलेक्ट कर लिया। अब GPS का जो हमने बड़े तालाब का डेटा कलेक्ट किया, हम क्या करेंगे, इसको इनपुट दे देंगे। किसको इनपुट देंगे, हमारे GIS सिस्टम को। तो ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है क्या करेगा, ये इनपुट को लेगा,
ठीक है, इनपुट को लेने के बाद क्या करेगा, ये करेगा रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। इसके बाद क्या होगा, जो भी डेटा है उसका क्या होगा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग होगी, जो हमने डेटा दिया है वो डेटा क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड होने के बाद क्या करेगा, ये जो डेटा, ये जो रिकॉर्डिंग करेगा, ये रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ में उस डेटा को अरेंज करेगा। मतलब हमने जो डेटा दिया था वो हमने थोड़ा हॉचपॉच डेटा दे दिया था, हमने ऐसे नहीं किया था कि पहले हम इसी पॉइंट को देंगे, फिर हम इसी पॉइंट को देंगे, फिर हम इसी पॉइंट को देंगे, तो हमें इस तरीके से मिलेगा। ठीक, हो सकता है हमने रैंडम डेटा दिया, हमने पहले कुछ पॉइंट लिया, फिर कुछ पॉइंट, मान लो कि हमने उसको 10 पार्ट में, एक बड़ा तालाब है जिसको हमने क्या किया, 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उस 10 पार्ट में पहले मैंने फर्स्ट पार्ट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिया, फिर मैंने थर्ड पार्ट के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिया, फिर मैंने सिक्स्थ पार्ट के दे दिए, ऐसे करके मैंने रैंडमली वैल्यूज डाली। ठीक है, 1 2 3 4 नहीं डाली है। तो अब ये जो आगे इसका काम क्या रहेगा, ये डेटा को रिकॉर्ड करेगा आपका सॉफ्टवेयर, और रिकॉर्ड करने के साथ साथ ये आपको उस डेटा को सही तरीके से अरेंज कर देगा, और जब सही तरीके से अरेंज कर देगा तो वही सही अरेंजमेंट के साथ हमको क्या मिलेगा, आपको डेटा का आउटपुट मिलेगा। मतलब वो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कैसा मिलेगा, अरेंज्ड आउटपुट मिलेगा। अब देखिए, ये तीनों जब प्रोसेस हुई, मतलब जैसे ही हमने डेटा डाला, हमको वो जो डेटा मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा हम वो देखते हैं। तो ये हमको दो तरीकों से मिलेगा। पहला हमको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में मिलेगा। दूसरा हमें इंडेक्सिंग के फॉर्म में मिलेगा। अब चलिए हम समझते हैं डॉक्यूमेंटेशन मीन्स क्या। देखिए, जो हमारा डेटा था, हमने क्या किया था, डेटा इनपुट किया था। जैसे मान लीजिए कि हम एक सिटी की बात करें, जैसे भोपाल सिटी है, भोपाल सिटी में क्या है, मान लीजिए मुझे इस भोपाल सिटी का मैप बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, एक एक करके इसमें डेटा फीड करूंगी। सबसे पहले मैं मान लीजिए कि कुछ अर्थ फीचर से उनका डेटा दे दूंगी, फिर वहां पे कितनी कॉलोनीज है उनका डेटा दे दूंगी, फिर वहां पे कितने लोग हैं उनका डेटा दे दूंगी। तो ऐसे करके मुझे पूरा जो शहर है उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। मतलब मुझे एक मैप मिल जाएगा, तो वो जो मैप है, मतलब वो जो एरिया हमें मिला है, उसको हम बोल देंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। उसमें डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है आपके टेबल्स बने हुए आए, हो सकता है कि डिफरेंट उसमें डिटेलिंग्स हो, तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, एक पूरा डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे पेजेस का एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने भोपाल का डेटा तैयार किया, अब भोपाल का डेटा तैयार करने के बाद हो सकता है मुझे बाद में दिल्ली का डेटा तैयार करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ये जो डेटा मुझे मिला है, इस डेटा के थ्रू मैं वहां का डेटा, जो दिल्ली का डेटा है, उस डेटा को क्या करूंगी, उस डेटा को भी इसी तरीके से, किस प्रोसेसिंग से रखना है, मैं उस प्रोसेसिंग से क्या करूंगी, डेटा को इनपुट दूंगी, और फिर मुझे क्या है, जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो आउटपुट मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से हम आगे जो फ्यूचर में जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसकी स्टडी में हेल्प मिलती है, उसको हमें किस तरीके से डिफाइन करना है उसमें हमें क्या मिलती है, डॉक्यूमेंटेशन से हमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें, तो इंडेक्सिंग मतलब, जैसे इंडेक्सिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर अभी हम रिमोट सेंसिंग और जीआईएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जब हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास एक बुक होगी रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की। वो जो बुक होगी, आपको मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक फाइंड आउट करना है, तो क्या आप उस पूरी बुक के पन्ने पलटेंगे क्या कि वो टॉपिक कहाँ है ढूंढेंगे, बहुत ज्यादा क्या लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, उससे बचने के लिए आप जो बुक खोलते हैं उसमें स्टार्टिंग में इंडेक्स बना होता है, उस इंडेक्स में सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स दिए रहते हैं। ठीक है, तो उस सब टॉपिक की हेल्प या उस टॉपिक की हेल्प से आप पेज नंबर पता करते हैं, और डायरेक्टली उस पेज पे जाके वो जो डेटा है आप क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उस पेज में जो भी लिखा हुआ है आप उसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। वैसे ही इंडेक्सिंग में क्या होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट बना है, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट हो वो बहुत लेंथी हो, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो, नंबर ऑफ पेजेस का डॉक्यूमेंट हो, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आपको इंडेक्सिंग से हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी, मान लीजिए आपका 50 पेजेस का आपका डॉक्यूमेंट बना है, और आपको पर्टिकुलर मान लीजिए आपको सिटी की, जैसे अगर भोपाल भोपाल का है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट पूरा भोपाल का बना हुआ है, उस भोपाल में आपको पर्टिकुलर पता लगाना है कि इसमें पॉपुलेशन कितनी है, तो हो सकता है वो डॉक्यूमेंट्स में एक पर्टिकुलर टेबल हो जो कुछ पर्टिकुलर पेज नंबर पे हो, जहां पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो। तो आप क्या करेंगे, वो जो इंडेक्स रहेगा उस इंडेक्स में दिया रहेगा कि टेबल नंबर दिस, पेज नंबर दिस, और यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ भोपाल। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उस पेज पे जाएंगे इंडेक्स के थ्रू, और क्या करेंगे, वहां से आप जो भी आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इंडेक्सिंग का काम क्या है, इंडेक्सिंग का काम है किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हमें बता देना।
ठीक है। तो हमने देखा क्या, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो ज्योग्राफिक होगा, जो ज्योग्राफी पार्ट है, वो क्या बताएगा हमें, किसी भी अर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, किसी भी अर्थ फीचर की, नेचुरल या आर्टिफिशियल फीचर के बारे में हमें जानकारी देगा कि वो फीचर कहाँ पर है, उसका कितना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। वहीं पे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन डिवाइस की हेल्प से हमें क्या बताएगा, हमें उस जो भी हमारा जो डेटा है उसको क्या करेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और उस डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम उस चीज की इंफॉर्मेशन के लिए, पर्टिकुलर प्लेस की इंफॉर्मेशन के लिए, पर्टिकुलर जो भी आपका जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू, एक पर्टिकुलर उसके थ्रू हम समझ सकते हैं और अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी कर सकते हैं। तो ये बेसिक मीनिंग है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।